बाकी आफ्टर ऑल इट्स अ गुड मूवी, वर्थ वॉच, देख सकते हैं। मूवी की स्क्रिप्ट और डायरेक्शन कैसा लगा? डायरेक्शन इस मूवी का अच्छा है, बट स्क्रिप्ट भी मतलब ठीक ठाक है। कैसी लगी मूवी? मूवी ठीक लगी भाई, बहुत अच्छी लगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और आप देख रहे हैं एनएस मीडिया। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आए हैं डिलाइट सिनेमा में और यहाँ पे प्रीमियर शो हुआ है जहाँ चार यार का। यहाँ पे आइए हम लोगों से जानते हैं कि उनको मूवी कैसी लगी और आपको दिखाते हैं लोगों की राय मूवी के लेके। मूवी बनी है, चलो। कैसी लगी मूवी? मूवी ठीक लगी भाई, बहुत अच्छी लगी। तो स्टोरी और कैसी लगी आपको इस मूवी, और जो मर्दों के बारे में बताया है लास्ट में उसके बारे में क्या बोलना? कोई मर्द रहा होगा, कोई ऐसा रहा होगा जो ऐसे तो सारे मर्द नहीं है भाई, शादीशुदा सब नहीं होते, कोई एक आध सौ में एक आध निकल आया कोई, तो उसके लिए तो क्या ही कह। और गाने कैसे लगे मूवी के? गाने ठीक ठाक हैं, सही है, पिक्चर सुनी है। तो आपको क्या लगता है लड़कियां जो है ये मूवी पसंद करेगी और देखेगी? हाँ हाँ, और लड़कों के बारे में बहुत पसंद आएगी। और लड़कों को इधर उधर भागते हैं उनको तो बहुत ही जो है पसंद आएगी। और लड़कों को? लड़कों को क्या कह सकते हैं, अब लड़कों को भी पसंद आपको आई नहीं आई? हाँ, मुझे तो बहुत पसंद आई है, मेरा तो दिल भर गया। और गाने कैसे लगे मूवी? गाने बहुत अच्छे लगे। कितने स्टार देंगे? मैं तो इसे 5 में से 5 स्टार दूंगा। ग्लैमर कैसा लगा राजू जी? बहुत बढ़िया लगा जी, ग्लैमर अच्छा लगा फिल्म का। गोवा अच्छा लगा? गोवा तो मन कर रहा है मैं भी घुमाऊँ जाके। है नहीं, मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। जो इसमें स्टोरी दिखाई है उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? ऐसा रियलिटी है? नहीं, ऐसा नहीं है, सब एक जैसे नहीं होते जी। और गाने कैसे लगे मूवी के? गाने अच्छे हैं दोनों। कितने स्टार्स देना चाहेंगे? 5 में से 5। थैंक यू। मूवी कैसी लगी? बहुत बढ़िया मूवी है, और जहाँ चार यार वहाँ सब एंजॉय। स्क्रिप्ट कैसी लगी? स्टोरी अच्छी स्क्रिप्ट है, और सस्पेंस जो मजा दिया है जबरदस्त। तो तुम्हें लगता है ये जो लड़कों के बारे में लास्ट में बताया है ये ऐसा रियलिटी में सही में? जी, हर चीज़ समाज से निकल कर आती है, हमारे पे भी कोई स्टोरी होगी समाज की, हम भी उस पर कुछ ना कुछ बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जो स्टोरी आती है वो समाज से ही आती है, सच्चाई होती है। और गाने कैसे लगे मूवी के? गाने अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे गाने, सभी गाने अच्छे। लड़कियों की एक्टिंग कैसी लगी चारों? लड़कियाँ सारा पूरी फिल्म में छाई हुई हैं, और सस्पेंस वगैरह सब जगह, मतलब जो एक मिस्ट्री भी इसमें दिखाने की कोशिश की है वो क्या लगता है ऑडियंस को पसंद आएगी? आनी चाहिए, एक सस्पेंस होता है, सस्पेंस जो होता है वो एक फिल्म को बांधे रखता है कि अगला मूवमेंट क्या होगा। तो सस्पेंस जो दिखाया गया, जो तालमेल बिठाया सस्पेंस का, जबरदस्त। तो आपको क्या लगता है, अभी ब्रह्मास्त्र भी जैसे चल रही है, एक मूवी से पहले हमने और प्रीमियर शो देखा है ना, तो आपको क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पे चल पाएगी? हाँ, अच्छा मैसेज है ये, रियलिटी है इस फिल्म में जो दिखाया गया है कि किस तरीके से मैरिड जो वुमेन्स होती है उनको बिल्कुल ही घरेलू उसमें कैद कर दिया जाता है, फिर वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए गोवा जाती हैं, लेकिन गोवा में उनके साथ ट्रेजिडी हो जाती है, किसी के साथ भी हो सकती है। कितने स्टार्स हैं? 4 स्टार। धन्यवाद। मूवी देख के आए हो? मैं देख के आया हूँ जहाँ चार यार। तो कैसी लगी मूवी? मूवी अच्छी है, मूवी की लीड में मेहर विज हैं, जिनको हमने बजरंगी भाईजान और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी पिक्चरों में देखा है, और स्वरा भास्कर है, प्रेम रतन धन पायो जैसी पिक्चर हमने उनकी देखी है, उनकी एक्टिंग अच्छी है, एक्टिंग में तो कोई कमी नहीं है, बट कहीं ना कहीं थोड़े समय के बाद लगता है कि मूवी जो है वो स्क्रिप्ट से थोड़ी डिबेट हो रही है। अच्छा। बाकी आफ्टर ऑल इट्स अ गुड मूवी, वर्थ वॉच, देख सकते हैं। मूवी की स्क्रिप्ट और डायरेक्शन कैसा लगा? डायरेक्शन इस मूवी का अच्छा है, बट स्क्रिप्ट भी मतलब ठीक ठाक है, फर्स्ट हाफ के बाद लग रहा है कि मूवी थोड़ी सी डिबेट हो गई है, बट बाकी हाँ ठीक है, अच्छी है स्क्रिप्ट तो। आपको क्या लगता है जो एक एंड में इन्होंने सीन दिखाया मर्दों के बारे में औरतों के बारे में, क्या वो लगता है आपको सही में ऐसी रियलिटी है? देखिए, इट्स अ कमर्शियल मूवी, अगर ये ऐसे दिखा रहे हैं तो वो उनके ऊपर है, बाकी रियलिटी तो काफ़ी हद तक मेरे को लगता है कि नहीं है, तो बाकी ठीक है, कमर्शियल मूवी है, दिखा सकते हैं कुछ भी, बट हाँ अगर बात करें कि बच्चों के साथ मूवी देखी जा सकती है तो मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल नहीं देखी जा सकती। और एक्टिंग कैसी लगी आपको चारों लड़कियों की, या आपको सबसे बेहतर एक्टिंग किसकी लगी पूरी मूवी में? स्वरा भास्कर की एक्टिंग अच्छी थी, और अगेन मेहर विज की एक्टिंग अच्छी थी, और बाकी जो लड़कियाँ थी साथ में दो, आई डोंट रिमेंबर देयर नेम, बट उनकी एक्टिंग भी अच्छी थी, और जो मेन लीड रोल में जिन्होंने कॉन्स्टेबल का वो रोल किया उनकी भी एक्टिंग अच्छी थी। एक्टिंग वाइज मूवी इज़ गुड, गाने इम्प्रूव हो सकते थे, गाने इज़ नॉट अप टू द मार्क, तो ठीक ठाक है। इससे आपको पहले भी बताओ, ब्रह्मास्त्र अभी चली रही है, इससे पहले भी एक प्रीमियर शो था मूवी का, तो आपको क्या लगता है ये वाली मूवी बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा धमाका मचा पाएगी? आपको क्या लगता है ज़्यादा टाइम तक टिक पाएगी?
मेरे हिसाब से ये एक वीक ही चलेगी मूवी, मतलब ब्रह्मास्त्र जैसा नहीं, जैसे वो एक वीक उनको पूरा फ्री रन मिला, ये भी वीक उनको फ्री रन नहीं मिलेगा, बिकॉज जिस हॉल में हम अभी खड़े हैं डिलाइट डायमंड डिलाइट में, वहाँ पे इस मूवी का एक भी शो नहीं है। मल्टीप्लेक्स जो है चार चार शो हॉल वाले, वहाँ पे दो तीन शोज शायद मिल सकते हैं, बट ठीक ठाक मूवी है। और गाने कैसे लगे? गाने मैंने कहा नॉट अप टू द मार्क। तो कितने स्टार देना चाहेंगे? पांच। एक मिक्का का गाना है सेकंड हाफ में, वो ठीक ठाक है, बाकी गाने एवरेज। कितने स्टार देना चाहेंगे? 3 स्टार। मूवी कैसी लगी? ठीक मूवी है, ठीक है। स्टोरी और डायरेक्शन? स्टोरी बहुत ज़्यादा पैट्रियार्की सिस्टम दिखा दिया है, इतनी ज़्यादा डोमिनेंस नहीं है, पुरुषों के इतना भी मतलब परेशान नहीं करते महिलाओं को, इसमें बहुत ज़्यादा ही दिखा दिया, बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन हो गया मेरे हिसाब से, इतना नहीं दिखाना चाहिए था। ये एक तरीके से औरतों को फेमिनिज्म बढ़ाने वाली बात है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इससे और कुछ नहीं बोलूँगा, बस ठीक है मूवी, एंटरटेनमेंट पर्पज़ से ओके है। तो आपको क्या लगता है जो लड़की है इस मूवी को पसंद करेगी, और लड़कों का क्या पर्सपेक्टिव होने वाला है मूवी को देखने के? लड़कियों को तो सब बढ़ावा मिलने वाला है कि इतना ज़्यादा हमें दबा के रखते हैं, जरा सा भी अब मर जा, जरा सा भी थोड़ा सा भी उनसे बोलेगी, अपनी वाइफ से बोलेंगे हमें तो दबा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हाँ एक तरह से बढ़ावा है उनके लिए, उनको तो मज़ा ही आएगा इस मूवी को देखने में। लड़कों के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत है। ये क्या दिक्कत है? जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि एक हाउस वाइफ जो होती है वो नौकरानी बन जाती है घर की, या फिर पति खुश नहीं होता है अपनी पत्नी से, सेक्सुअल डिज़ायर पूरे नहीं होते, ऐसा मैं नहीं समझता। कहीं पे प्यार भी होता है, उसको भी कहीं ना कहीं कंसिडर करना चाहिए, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखा दिया, अलग ही दिखा दिया है कि लड़कियाँ जा रही हैं मज़े से, मज़े ले रही हैं, वो अच्छी बात है, मज़े लेने चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा अभी नहीं है हमारे भारत में। मूवी के गाने कैसे लगे? मूवी के गाने ठीक हैं, ठीक ही लगे मेरे को, ज़्यादा खास नहीं। और कितनी रेटिंग्स देना चाहेंगे 5 में से? 3 दूंगा मैं सर।